अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहू। हम जा रहे हैं फेयर में, आज हमारे एग्जीबिशन का पहला दिन है, उम्मीद करते हैं अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह। बाकी अपडेट हम लोग देते हैं। ये तो ठीक ठाक रश लग रहा है इस तो मेट्रो में। फुल हाउस आज तो भाई बहुत रश है मेट्रो में, देख लो। ध्यान से आना भाई, सब अपनी अपनी पॉकेट बचा के। शान यार, ट्रेन के अंदर का माहौल है यहाँ। इनायत वो बचा के पॉकेट्स। ये चॉकलेट बांटते हुए पास इसके नहीं नीचे जाऊंगा। एंट्री हो रही है वही हमारी मेसे में, जा रहे हैं अपने हॉल की तरफ, फिर उसके बाद अपने स्टैंड की तरफ। ये वे है हमारे स्टैंड का। अब आप लोगों में दिखाऊंगा कि ये हॉल आज कैसा है। मैंने जो दो दिन पहले दिखाया उसमें देखिएगा, कबाड़ खाना हुआ होगा, हाइट की डेकोरेशन देखिएगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, एवरीथिंग विल बी परफेक्ट। दिस इज़ हॉल 12, हॉल 8, हियर हॉल 11 एंड स्ट्रेट अवे हॉल 10। ये वॉकिंग वे है, इस पे सोते हुए हम जल्दी से पूरी लॉबी क्रॉस करेंगे। टू मच लॉन्ग हॉल का एंट्रेंस आ गया हमारा। ये हमारा टेडेप का प्रेजेंटेशन स्टैंड है। अब ये हमारा हॉल का एंट्रेंस आप देखिएगा, जो दो तीन दिन पहले बिल्कुल ख़राब सी जगह थी एक, आज उसका व्यू देखें आप लोग। ये देखें आउटस्टैंडिंग, ये एग्जीबिशन हॉल है। ये देखिए आउटस्टैंडिंग, अभी काफ़ी सारे हॉल्स ओपन नहीं हुए, स्टैंड अभी काफ़ी सारे क्लोज हैं। स्टार्टिंग टाइम है ना इसलिए। ये रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट मंडियाल। ये वे जो है हमारे स्टैंड तक जाता है पूरा रास्ता ना। ये जो कपड़ा डाला हुआ है हमारा स्टैंड है, इसको ओपन करेंगे। भाई अब हम थोड़ा सा वॉकिंग करने जा रहे हैं एग्जीबिशन का मुआयना करने के लिए, और देखें कौन कौन सी कंपनीज आई हुई हैं, देखते हैं। देखें स्टैंड कितना खूबसूरत है, वाह भैया माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई, हमारे पास बायर आए हुए हैं, इन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है। भाई कितने का ऑर्डर प्लेस किया आपने, कितने घंटे ऑर्डर प्लेस किया है यार? आप थोड़ा रेट अपना ऊपर नीचे करो यार, सेटिंग करो, टाइमिंग में आपको आर्टिकल क्या चाहिए भाई? मुझे आप चाहे टॉवल, मुझे आपकी तीन टॉवल नज़र आ रहे हैं, हाँ ये मुझे चाहिए। अच्छा, और आप कितने दिन में इसकी डिलीवरी करेंगे? मुझे 10 कंटेनर चाहिए। नहीं, फर्स्ट कंटेनर जो आपको 60 डेज में मिलेगा, उसके बाद एवरी कंटेनर 40 डेज में। अगर आप डिले हो गए तो फिर क्या उसका, आप एडवांस कितना दे रहे हैं? एडवांस आपको मैं 1000 रुपये।
1000 क्या यूरो यूरो 1000 यूरो में आप मुझसे 50,000 यूरो घंटे देना चाह रहे हैं? लोग डीपी पे काम कर रहे हैं, डीए पे काम कर रहे हैं। नहीं, कम से कम 25% एडवांस दें 10 कंटेनर के लिए। 25% 10 कंटेनर के आप कंटेनर स्टार्ट करें, मैं आपको एडवांस दूंगा ना 25% में आपको दे दूंगा। ये क्या बात हुई? आप जब भी कंटेनर स्टार्ट करें, अच्छा 1000 यूरो तो दें आप पहले कंटेनर स्टार्ट करने के लिए। आप मुझे 1000 यूरो दें ताकि मैं सैंपल तो बनाऊँ आपके लिए। आप पाकिस्तान जो है सैंपल आप स्टार्ट करें, मुझे आप तो भाई मैं बगैर किसी यानी कि गारंटी के मैं कैसे आपके लिए सैंपल बना दूं, क्या करूं? पाकिस्तान तो पहुंचे, आप अपने मुझे बाल वीडियो दे दीजिए, क्रॉस्पॉन्डेंस करेंगे, ईमेल आप मुझे दीजिए, ये मेरा कार्ड रखिए आप, ठीक है? फिर उसके बाद जब आप जाएंगे पाकिस्तान तो मुझे आप अपना एड्रेस मैं आपको 1000 में आपको दे दूँगा। पक्की बात है? इनायत लिख लो ये 1000 एडवांस, ठीक है? याद रखना 1000 एडवांस लेना इनसे। अच्छा कंटेनर आप 40 में करा रहे हैं? भाई आप जो बोलेंगे वो मैं बना दूंगा। भाई अब हम जा रहे हैं नमाज के लिए ना, नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं एलिवेटर में, ऊपर फ्लोर पे नमाज होगी, मस्जिद पूरी बाकायदा दिखाते हैं आपको। ये मुस्लिम प्रेयर रूम है यहाँ पे 10.4। भाई अल्हम्दुलिल्लाह नमाज की अदायगी हो गई है, ज़ोर अदा कर ली है, अब इंशाल्लाह असर की अदायगी लाएंगे दो घंटे बाद। अभी हम जा रहे हैं अपने हॉल की तरफ, दोबारा से मस्जिद से निकल के जा रहे हैं रिसेप्शन हॉल में, ठीक है? ये हम दोबारा से हम हॉल 10.1 में आ चुके हैं, गेट ही नहीं खुल रहा है भाई, गेट बंद है। एक बार फिर आ चुके हैं भाई नमाज के अदायगी के बाद हम हॉल 10.1 स्टैंड पर, एक्टिवेशन बहुत चल रही है। लोग जो है खाने पीने के लिए लगे हुए रेस्टोरेंट में लाइन लगा के। एग्जीबिशन आज की तकरीबन खत्म होने आ रही है, हम जा रहे हैं आगे, हम निकलेंगे अपने स्टैंड की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद फिर घर की तरफ निकलेंगे इंशाल्लाह। बस आधा घंटा रहिए ख़त्म करके स्टैंड क्लोज करके फिर अपार्टमेंट की तरफ जाएंगे, खाना वगैरह खाएंगे इंशाल्लाह। घर वापसी जाते हुए भाई लॉबी में आ गए, ट्रेन में बैठेंगे घर जाएंगे। एग्जीबिशन एंड, फर्स्ट डे ख़त्म हो गया एग्जीबिशन का। स्टेशन बना हुआ है आजकल स्टेशन देख लेंगे। अबे यार इतनी देर से आया हो तुम, हम तुम्हें कब से बुला रहे हैं, हमें लोग मिल गए इधर लिफ्ट में, पता नहीं बंदा आता, मैं अकेला थोड़ी था, इन्होंने भी इतनी देर कर दी तुमने यार। खाना बन गया, आ जाओ खाना बन गया, आ जाओ अभी फ्रेश होंगे, कुछ भी करेंगे फिर खाएंगे बगैर प्याज का। वही हम लोग अपने अपार्टमेंट आ गए फिर से फारिग होके, फर्स्ट डे खत्म, यहाँ पे खाने में स्टोरी बन गई है। क्या स्टोरी बनी खाने में भाई, हैं बगैर प्याज के खाना बना दिया इसने, हैं रियान भाई क्या बना दिया, अलग से भुनी प्याज, क्या बनाया क्या दिखाओ, शक्ल दिखाओ यार, हैं दम पे लगा हुआ। हाँ भाई क्या वो सुना तुम्हें, कलमात सुनने को मिले बहुत ज्यादा। ये आज जो है ना बीफ पुलाव बनाया है जिशान और इसरार भाई ने मिलके, लेकिन फड्डा बहुत हुआ इसको पुलाव को बनाने के लिए, और बातों के बाद जिशान की तड़के भी लगे हैं भाई, तड़के भी लगे जिशान भाई, सही बात है। नहीं नहीं मजाक कर रहे हो, चलो भाई बिस्मिल्लाह करो। ये हमारे रेहान भाई हैं, ये बेचारे बड़े मासूम हैं, आज इनकी तबीयत भी सही नहीं है, बुखार हो रहा है और गला भी खराब है इनका, फिर भी इन्होंने माशाल्लाह सारे बर्तन धो दिए, जबरदस्त रेहान भाई, थैंक यू। वेलकम सर।